हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को द बॉय एंड द हीरो मूवी की तीन सबसे अच्छी चीजें बताना चाहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो चीज है इस मूवी का आर्ट स्टाइल, ठीक है ना, क्योंकि ये आर्ट स्टाइल एकदम पुराने जमाने का है और काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। तुम लोगों ने दूसरी मूवीज जैसे माय नेबर टोटोरो और स्पिरिट अवे, उसके बाद काफी सारी पुरानी पुरानी मूवीज में इस आर्ट स्टाइल को देखा ही होगा, ठीक है ना। काफी अच्छा लगता है ऐसे पुराने स्टाइल में। और जो दूसरे नंबर पर है वो चीज है इस मूवी का म्यूजिक, ठीक है ना। इस मूवी का म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे काफी पसंद है। और वैसे भी इस मूवी को सबसे अच्छे डायरेक्टर मियाज़ाकी ने बनाया है, ठीक है ना। और उनकी मूवीज तो वैसे ही काफी ज्यादा अच्छी होती है, जैसे कि स्पिरिटेड अवे, ठीक है ना। ये स्पिरिटेड अवे बस एक एग्जाम्पल था, इसलिए इस मूवी का म्यूजिक दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और जो नंबर वन पर है वो चीज है इस मूवी का एनिमेशन, ठीक है ना। इस मूवी का एनिमेशन काफी ज्यादा बेस्ट है। इस मूवी ने स्पाइडर वर्स और सुदुमे जैसी मूवीज को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो तुम लोग समझ ही जाओ इस मूवी का एनिमेशन कितना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यही थी वीडियो और कुछ भी नहीं था। तो बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे। तो जाने से पहले मेरी बात सुनो, ठीक है ना। मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो उस टेलीग्राम चैनल पे अलग अलग गैजेट, अलग अलग सामान या फिर गैजेट्स के बारे में बताता रहता है, ठीक है ना। तो तुम लोग जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि स्पॉन्सरशिप, ठीक है ना। तो बाय।